हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 11 के बारे में, जो रेस्ट सेक्शन से थे, रेस्ट सेक्शन L13 से लेकर के सेक्शन 23 तक के बारे में बात करेंगे। इसका जो सेक्शन, इसका रूल 23 का रियल रूल 13 कहता है एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका रूल 13 दस्तावेजों संबंधी शपथ पत्र के बारे में बात करता है। इसमें ऑर्डर 11 रूल 13 में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय कोर्ट ये आदेश कर सकेगा जिस पक्षकार के विरुद्ध, चाहे वादी के विरुद्ध और चाहे प्रतिवादी के विरुद्ध, कि वह शपथ पत्र में लिखेगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और उन अपने कब्जे के डॉक्यूमेंट्स को वह परिशिष्ट सी के फॉर्म नंबर 5 में जो भी बदलाव फेर फार हो उनको करके उसी पैटर्न पर ही कोर्ट को सबमिट करेगा। तो ये बात इसकी रूल 13 में कहा। अब इसका रूल 14 कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रूल 14 कहता है दस्तावेजों का पेश किया जाना। दस्तावेज कैसे पेश किया जाएंगे? जो न्यायालय आदेश करे, जो न्यायालय आदेश करेगा कि उसे उस डॉक्यूमेंट को पेश करे, न्यायालय उस डॉक्यूमेंट्स के लिए उचित कर सकता है, उचित उपयोग कर सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए वो डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कोर्ट में न्यायालय कर सकता है यदि वह दावे या प्रतिदावे में अभिलिखित है और न्यायालय ये समझता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को इस वाद के निस्तारण में आवश्यकता है, इस तभी उपयोग करेगा, अदरवाइज उसका उपयोग नहीं करता है। अब इसका रूल 15 कहता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड टू इन प्लीडर और एफिडेविट। अब इसमें रूल 15 कहता है कि अभिवचनों का शपथ पत्रों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण। ये कैसे है? जब कोई प्लीडिंग है, मतलब वाद है, वाद या जवाब दावा, रिटेन स्टेटमेंट या शपथ पत्र, जो शपथ पत्र कोर्ट में दिया, ये 3 बातें हो गई। एक हो गया वाद दावा, मतलब एक हो गया प्रतिदावा और तीसरा हो गया शपथ पत्र। अगर इन 3 चीजों में जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखित है, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में उल्लेख किया गया एक पक्ष का, वह दूसरा पक्ष उसका, सपोज करो वादी के वाद में लिखा गया डॉक्यूमेंट तो प्रतिवादी, अगर प्रतिवादी के WS में लिखा गया डॉक्यूमेंट तो वादी, मतलब अपोजिट पार्टी, दूसरा पक्ष, उसके निरीक्षण करने के लिए या उसकी प्रति लेने के लिए कोर्ट को आवेदन कर सकता है। कोर्ट को आवेदन कर सकता है। अगर कोर्ट उचित समझती है तो उसे आदेश दे सकती है। किसके लिए? निरीक्षण के लिए या उसकी प्रति लेने के लिए। और यदि आदेश के बाद जिसको आदेश दिया कोर्ट ने वो मना कर देता है कि नहीं, उसके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, उसके कब्जे में नहीं है, या निरीक्षण कराने के लिए वो हीला हवाली करता है, तो फिर वह उस डॉक्यूमेंट्स को उस वाद में पेश बाद में नहीं कर सकेगा। तब तक नहीं पेश कर सकेगा जब तक कोर्ट परमिट नहीं करता है और कोर्ट ये नहीं समझता है कि इसने इसलिए मना किया था क्योंकि ये डॉक्यूमेंट प्राइवेट था और इस डॉक्यूमेंट को प्रेस करने पर इस वाद की जो गुप्त बात थी वह बेकार हो जाती या लीक हो जाती या वह नहीं रहती उस स्थिति में, उस लिए उसको अलाउ करेगा। अगर ये नहीं समझता है तो फिर दोबारा वो डॉक्यूमेंट उस वाद में अलाउ नहीं करेगा और उसे लिया नहीं जाएगा। अब इसका रूल 16 कहता है नोटिस टू प्रोड्यूस। नोटिस टू प्रोड्यूस रूल 16 इसका कहता है पेश करने की सूचना। रूल 16 में कहा कि दावा
या प्रति दावा या शपथ पत्र में जो वर्णित दस्तावेज हैं उन्हें परिशिष्ट सी के उन्हें परिशिष्ट सी परिशिष्ट गा के फॉर्म नंबर 7 में भर करके प्रस्तुत किया जाएगा। किसमें? परिशिष्ट गा के फॉर्म नंबर 7 में, फॉर्म नंबर 7 में भर के उसी पैटर्न पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये रूल इसका 16 कहता है। अब रूल 17 कहता है टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन। रूल 17 कहता है जब सूचना दी गई है तब निरीक्षण के लिए समय। रूल 16 में कहा गया एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को नोटिस देता है, कोर्ट को प्रार्थना पत्र देता है कि इस दूसरे पक्षकार का ये डॉक्यूमेंट हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, नोटिस देता है। तो नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के भीतर, दूसरे पक्षकार को नोटिस प्राप्त हुई, नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के भीतर वह सूचना देगा। किसको? जिसने नोटिस दिया था कि हमें इंस्पेक्शन करना है उसको सूचना देगा कि वह उसकी सूचना प्राप्ति के 3 दिन के भीतर, उसकी सूचना प्राप्ति के 3 दिन के भीतर उसके एडवोकेट प्लीडर के पास में या निश्चित स्थान में या कोर्ट में या बैंक में या उसके यूजुअल प्लेस पर जहां पर बैंक, जहां पर उसका खाता, वही खाता रखा हुआ है, वहां पर आ करके निरीक्षण कर सकता है। और वह निरीक्षण किन डॉक्यूमेंट्स का करेगा? उन निरीक्षण डॉक्यूमेंट्स को जो परिशिष्ट गा के फॉर्म नंबर 8 में दिया गया है उसे प्रोफार्मा में भर करके उसे देगा। तो ये हुआ टाइम कि एक पक्ष ने दूसरे को नोटिस दिया कि हमें इन तीन चीजों का इंस्पेक्शन करना है, तो नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के भीतर वह उसको फिर से वापस सूचना देगा, नोटिस देगा कि आप इस नोटिस प्राप्त होती है उसके 3 दिन के भीतर इस जगह पर इन डॉक्यूमेंट्स का आप निरीक्षण कर सकते हैं। और वह जिन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर सकता है उसे परिशिष्ट गा के फॉर्म नंबर 8 में भर के उसे देगा। अब बात आती है रूल नंबर 18 की। रूल नंबर 18 कहता है ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन। ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, ये तो हो गया कि वो कब देगा, क्या देगा। अब इसके कहा निरीक्षण के लिए आदेश, रूल 18। अब रूल 15 में जो कहा गया, रूल 15 में कहा वही लागू होता कि दूसरा पक्षकार यदि निरीक्षण है तो सूचना नहीं देता, एक ने नोटिस दे दिया, अब दूसरा क्या होगा कि 10 दिन के अंदर उसको इंफॉर्मेशन देना होता है कि 3 दिन के अंदर, नोटिस प्राप्ति के 3 दिन के अंदर आप निरीक्षण कर लें। लेकिन मान लो कि इसने सूचना दी कि हमें निरीक्षण करना है और दूसरा पक्षकार सूचना नहीं देता है, वर्जित रहता है या छिपाता है और इसको सूचना नहीं देता कि आप आकर के निरीक्षण कर लें या उसकी प्रति की कॉपी ले लें या ऐसी जगह पर बुलाता है जहां पर बुलाने का औचित्य नहीं है, ना तो लीडर के पास बुलाता है, ना तो बैंक में बुलाता है, ना तो जहां बही रखी वहां पर बुलाता है, अन्य स्थान पर बुलाता है, तो न्यायालय उस पक्षकार को निरीक्षण करने का स्वयं आदेश दे सकता है और उसके स्थान को निश्चित कर सकता है और उसे आदेश दे सकता है कि उस जगह पर जाकर के आप निरीक्षण करें। लेकिन कोर्ट जरूरी नहीं कि आदेश दे दे। जब कोर्ट ये समझेगी कि वाकई में आवश्यक है इसे निरीक्षण किया जाना, तभी वह आदेश देगा कि इन इन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर सकता है। अब उन डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करने का आदेश देगा जो दबा, जब जो कहां पर होंगे, या तो वाद पत्र में होंगे, या तो रिटेन स्टेटमेंट जवाब दावे में होंगे, या तो शपथ पत्र में उसने भर करके दिया होगा, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करने के लिए आदेश देगा। तो ये बात इन्होंने कोर्ट रूल 18 में कह दी। अब रूल 19 में कहा वेरीफाइड कॉपीज, वेरीफाइड कॉपीज। रूल 19 का सत्यापित प्रतियां। अब इसके बारे में रूल 19 में क्या कहा कि निरीक्षण के लिए जिसने आवेदन किया है
कि हमें दूसरे पक्ष के इन इन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण का आदेश देने के बजाय कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि उस डॉक्यूमेंट्स की जिसको इन्होंने निरीक्षण के लिए कहा है उस डॉक्यूमेंट की सत्यापित प्रति उसको मिलान करा करके शपथ पत्र के साथ उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जिसने निरीक्षण के लिए कहा है, और इस प्रति को उपलब्ध कराने के अलावा उसको निरीक्षण भी करने के लिए दे, ये भी कोर्ट आदेश कर सकता है। अब बात आती है कि अब इसके बाद में कि अगर वह कोर्ट के आदेश के बावजूद अभिलेख नहीं देता है या कहता है कि हमारे पास वह उपलब्ध नहीं है या उसकी क्षमता में नहीं है, तो फिर वही बात आती है कि उसके बाद वह अभिलेख वह डॉक्यूमेंट्स उस दावे में वह नहीं यूज कर पाएगा जब तक कि कोर्ट उसको आदेशित नहीं कर देगा। अब इसका रूल 20 कहता है प्रीमैच्योर डिस्कवरी। रूल 20 कहता है प्रीमैच्योर डिस्कवरी, मतलब समय पूर्ण प्रकटीकरण। क्या होता है, यदि कोर्ट को लगता है कि इश्यूज फॉर्म होने हैं, अब इश्यूज फॉर्म होने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया जाता है या कॉपी ली जाती है कि ताकि उसकी सच्चाई आ जाए, और जो इसने डिनाई किया है उस डिनाई में क्या सही है उसका उस चीज को क्लियर हो जाए। तो अब ऐसे में इश्यूज फॉर्म होने वाला है और उसके निरीक्षण या सत्यापित कॉपी देने के लिए दूसरे पक्षकार ने प्रार्थना पत्र दिया। अब कोर्ट ये समझता है कि ये प्रार्थना पत्र से इश्यूज का फॉर्म होना डिले हो जाएगा या इश्यूज फॉर्म होने पर कोई भी वाद पर जो है विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इश्यूज फॉर्म कर सकता है, मतलब वाद बिंदु बना सकता है, और उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट का जिसने निरीक्षण करने के लिए दिया है उसे निरीक्षण करने का आदेश दे देगा और इंटरोगेटिव ऑर्डर करेगा। तो उसको क्या है, इश्यूज फॉर्म होने के बाद में आदेश दे सकता है। अब इसका रूल 21 कहता है नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी, ये रूल 21 कहता है प्रकटीकरण के आदेश का अनुपालन। रूल 21 क्या कहता है, परिप्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहता है, वो जो परिप्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक रूप से या लिखित रूप से उनका उत्तर देने में वो असफल रहता है, और जो दस्तावेज का प्रकटीकरण, दस्तावेज जो प्रस्तुत करना है या उनका निरीक्षण करना है उनके आदेश में भी असफल रहता है, निरीक्षण भी नहीं कराता है और वो डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत नहीं करता है, और क्या करता है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी उसने। कैसे, कि कोर्ट ने कहा कि इसका ये डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करने दिया जाए, वो निरीक्षण करने नहीं दिया, उसने उसको बहाना बनाया, उसको छिपाया, और जो कोर्ट ने उससे प्रश्न पूछा उन प्रश्नों को भी देने से अवहेलना करी। यदि कोई पक्षकार, चाहे वादी चाहे प्रतिवादी, चाहे वादीगण चाहे प्रतिवादीगण, अगर ऐसा करते हैं तो न्यायालय ये आदेश कर सकता है, यदि ऐसा वादी करता है, ये बात वादी करता है तो दावे को खारिज कर सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है, दावे को खारिज कर सकता है, और उन्हीं ग्राउंड पर अब वादी दोबारा दावा नहीं कर पाएगा। अगर प्रतिवादी ऐसी हरकत करता है कि ना तो वो निरीक्षण कराता है, ना तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है, और ना ही कोर्ट के मौखिक प्रश्नों का या लिखित प्रश्नों का उत्तर देता है, तो कोर्ट प्रतिवादी के लिए जो लाभ उसको प्राप्त होना है, जो उसने प्रेयर की है, उस प्रेयर के खिलाफ, मतलब उसको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं देगा, उसको कोई भी लाभ के लिए आदेश नहीं करेगा, वो एज इट इज जीरो के तरीके से रहेगा। और अगर वह व्यक्ति ऐसा प्रतिवादी करता है, वादी करता है, तो खारिज हो जाएगा। अब बात आती है रूल 22 की,
यूजिंग आंसर टू इंट्रोगेटरीज ऑफ एट ट्रायल। अब इसके रूल 22 कहता है परिप्रश्नों के उत्तरों का विचारण में उपयोग किया जाना। अब परिप्रश्नों के जो प्रश्न उसने पूछे, किसने, न्यायालय ने लिखित परिप्रश्नों का, या एक पक्ष ने दूसरे पक्ष ने से लिखित प्रश्नों के बारे में पूछा, अब उसने उसका उत्तर लिखित में दिया या कोर्ट को मौखिक उत्तर दिया, कोर्ट ने उसको अभिलेख का भाग बनाया और उसको लिखा, तो जो उत्तर इस समय दिए गए उन उत्तरों को पूरी तरह से या उस उत्तर के किसी भाग को साक्ष्य के रूप में वह पक्ष प्रयोग कर सकता है, वह पक्ष उसको क्या कर सकता है, साक्ष्य के रूप में ले सकता है, साक्ष्य के रूप में उसे जब साक्ष्य आएगा तब उसका उपयोग कर सकता है। अब इसका रूल 23 कहता है ऑर्डर टू अप्लाई टू माइनर्स आदेश अवयस्क को लागू होना। अब इसमें से कोई अवयस्क है, नाबालिग है, या ऐसा व्यक्ति है जो निर्योग्य है, मतलब दिमाग से पागल है, या वह व्यक्ति उत्तर देने में सफल नहीं था, ऐसे व्यक्तियों को भी ये जो ऑर्डर हैं वो लागू होंगे, उनको भी अप्लाई होंगे, उनके लिए भी अप्लाई होंगे, मतलब वो भी इनके साक्ष्य में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उन्हें इनको यूज कर सकते हैं। तो अभी रूल इसका जो 23 था ऑर्डर 11 के, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल थे, इनको समझना बहुत जरूरी था। अब कोर्ट में इसकी औचित्य, इसका जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे, कोई डॉक्यूमेंट को सत्यापित कॉपी ले सकते हैं, कैसे उसको हम निरीक्षण कर सकते हैं, कैसे उसकी वास्तविकता को जान सकते हैं, और उससे इश्यूज फॉर्म होने में बहुत मदद मिलती है और केस को डिसाइड होने में बहुत ही अधिक मदद मिलेगी अगर उनके उत्तर को हम पहले ही कोर्ट पे एक पक्ष दूसरे पक्ष से ले लेता है। तो अभी रूल 11 के 23 रूल तक, ऑर्डर 11 के रूल 23 तक क्लियर हो गए होंगे। अब ऑर्डर 12 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।